क्योंकि आपका तो गाड़ी है प्राइवेट और आप उसको कमर्शियल अपने मन से ऐसे पीला लगा के चलाने लगे। कार चलाते हैं कमर्शियल या बाइक चलाते हैं, कोई भी कमर्शियल गाड़ी यूज़ करते हैं, उनके पास प्राइवेट लाइसेंस ही है। सुबह से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। मैं अभी जस्ट शूट करने बैठा था कि वीडियो शूट करते हैं चलो, और जो प्राइवेट बाइक यूज़ कर रहे हैं कमर्शियल में और वो लोग उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे राइडर भाई हैं, तो कैसे कन्वर्ट कराएंगे, तो उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो बारिश हो रही है तब से बंद ही नहीं हो रहा, तो मैं सोचा कैसे वीडियो बनाऊँ, कहीं जगह ही नहीं है बनाने को क्योंकि लाइट भी नहीं है, तो मैं सोचा चलो मोटो व्लॉगिंग करते करते बनाते हैं। मैंने सारे प्रोसेस जो है आप लोगों को बता दिया था मोटरसाइकिल में, वीडियो शूट करके घर आ गए। तो वो जो फुटेज था दोस्तों, वो जो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कुछ रिकॉर्ड हुआ कुछ पार्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ, इसलिए मुझे वापस शूट करना पड़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बाइक टैक्सी और डिलीवरी सर्विस में 99% जो काम करने वाले लोग हैं वो पार्ट टाइमर है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है 8 घंटे 10 घंटे कर लेते हैं, बट वो भी अपने आप को पार्ट टाइम ही कहते हैं। तो अगर आप लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं इस फील्ड में, सिर्फ फूड डिलीवरी ही कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल है, और बाइक टैक्सी अगर आप करते हैं ऑन स्पॉट पकड़े जाते हैं, वो हर सिटी में लगभग होगी, तो आपको प्राइवेट व्हीकल कमर्शियल यूज़ के चलते आपको जो है चालान हो सकता है 5,000 रुपये का, या फिर ऑन स्पॉट अगर आप कुछ डील कर लेते हैं उनसे तो बस। तो दोस्तों अगर आप इस काम को यानी बाइक टैक्सी ओला उबर रैपिडो या फिर कोई भी डिलीवरी सर्विस या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियली यूज़ करके कुछ कमाना चाहते हैं और इसी काम को लाइफ टाइम या फिर आने वाले 2-3 साल करना चाहते हैं, तो आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट करा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि चालान को लेकर है, क्योंकि एक डिलीवरी पार्टनर या फिर बाइक टैक्सी वाले को वीक में 5,000 से 7,000 रुपये वो कमाता है अगर लगातार काम करता है तो, ठीक है। वहीं अगर आपका चालान हो जाता है 5,000 10,000 या फिर बाइक इंपाउंड हो जाती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक तो माइंडली डिस्टर्ब ऊपर से फाइनेंशियली डिस्टर्ब। तो मेरा यही आप लोगों को बताना है जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट कराने का बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, जिस तरीके से हम या तो अगर हम शोरूम से बाइक लेते हैं ना, जैसे टैक्सी में भी होता था वैसे बाइक में, अगर हम शोरूम से नया बाइक ले रहे हैं तो सीधा सीधा आप जो डीलर से परचेज़ करें उनको बोलिए कि इसको हमें कमर्शियल यूज़ पे लेना है, तो फिर वो RTO से आपका कमर्शियल टैक्स ही कटवाएंगे और जो आपका नंबर प्लेट आएगा वो आपके डीलर के पास कमर्शियल यानी पीले वाला ही आएगा, जिसका नंबर प्लेट पीला होता है और उसमें ब्लैक में लिखा रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे थे कि भैया ये तो हम मार्केट से भी ऐसे बनवा के चलाने लगे तो दोस्तों इसमें देखिए आप 420 में फंसोगे, क्योंकि आपका तो गाड़ी है प्राइवेट और आप उसको कमर्शियल अपने मन से ऐसे पीला लगा के चलाने लगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपकी बाइक लाइफ टाइम के लिए सीज हो जाएगी, मतलब 420 में आप फंसोगे। अपने प्राइवेट बाइक को आपको कमर्शियल में कन्वर्ट कराने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको अपने RTO में जो जहाँ की आपकी बाइक रजिस्टर्ड है, जैसे मेरा UP 16 नोएडा है, तो फिर मुझे नोएडा के ऑफिस RTO ऑफिस जाना होगा। वहाँ पे दो तरीके से मैं इसको करवा सकता हूँ कन्वर्ट, या तो आप डायरेक्टली जो फॉर्म वगैरह है ना उसका मैं नंबर नहीं पता, ठीक है, जो मैं करवाऊँगा अभी नेक्स्ट वीक जाऊँगा RTO ऑफिस, तो वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह बता दूंगा उस वीडियो में, मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो आपको RTO ऑफिस जाना है, डायरेक्टली आप विंडो पे बोल सकते हैं कि मुझे अपनी ये मेरी बाइक है, मेरी RC है, मुझे इसको कमर्शियल टैक्स में इसका पे करना है, तो ठीक है। तो फिर वो भी एक आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करना होता है, सबमिट करना होता है, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने के उसमें लगे हुए हैं वही चीज़ आपको वापस से देना होगा, जिसमें RC आपका हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग लिया जाए। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस आपका प्राइवेट है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट अब जो है दिल्ली NCR में ऑलमोस्ट 90% जितने भी कार चलाते हैं कमर्शियल या बाइक चलाते हैं, कोई भी कमर्शियल गाड़ी यूज़ करते हैं, उनके पास प्राइवेट लाइसेंस ही है और वो वैलिड। तो आपको उस विंडो पे जाके फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके देना होगा, फिजिकली जो ऑनर होता है उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ये नोएडा की बता रहा हूँ मैं। आपके RTO या DTO में अलग प्रोसेस हो सकता है, उसके लिए आप अपने DTO या RTO में कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, तभी आपको पूरा प्रोसेस पता लगेगा। वहाँ पे वो फॉर्म फिल करके जो चार्जेस होगा बाइक का, मेरे को ऐसा बताया नोएडा में जो मैंने जिससे मैंने अपना बाइक करवाया था, ठीक है, जो मैं सेकंड ओनर हूँ अपने बाइक का, तो फर्स्ट ओनर से सेकंड जब करवाया था तो उनसे मैंने जानकारी ली, वो बता रहे कि लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये लगेगा,
ठीक है, जो कि पहले साल दो साल के लिए होगा, देन आपका दो दो साल में फिटनेस होता है और जो परमिट है वो आपको करवाना पड़ेगा रिन्यू, तो इस तरीके से आपको करवाना हो। ये तो हो गए दोस्तों फर्स्ट वे कि आप कैसे करके आप खुद करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे हम एजेंट या दलाल बोलते हैं, उनका जो फीस है वो बच जाएगा अगर आप डायरेक्ट कराते हैं, और आपके पास टाइम नहीं होता या फिर आप झंझट में नहीं फंसना चाहते, फिर आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे जो बैठे रहते हैं वकील टाइप के होते हैं, आप उनसे मिलेंगे, उनको बताना है वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सारे कुछ अपडेट होना चाहिए, पीयूसी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटो स्टेट विद ओरिजिनल लगता है, ओरिजिनल जो, क्योंकि ये सब कुछ आपका दोबारा बनता है, आरसी भी जो बनेगी ना वो दोबारा से बनती है, उसमें कमर्शियल टैक्स वगैरह सब ऐड होके होता है, परमिट की कॉपी आपको मिलती है, सब कुछ जो है वो दोबारा से बनता है, तो इस वजह से इसका इतना चार्ज होता है। और कुछ जो है बाइक के प्राइस पे भी होता है कि हाँ इतने प्राइस पे इतना लगता है, पूरा जो होगा ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो शायद ही चार से पाँच दिन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ये डॉक्यूमेंट्स जैसे जमा कराते हैं तो आपको सात आठ दिन के अंदर आरसी है वो कन्वर्ट हो जाता है, आपका व्हीकल का नंबर प्लेट्स आ जाता है जो वाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो में, और आप एक लीगली तरीके से उसको बाइक टैक्सी में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कमर्शियल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल करा लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ऑटो वाले कहीं भी सिग्नल पे खड़े होते हैं तो कोई भी आके इंडिविजुअल आता है कि भैया चलोगे क्या वहाँ तक, जी हाँ, तो यही कंडीशन आपके साथ होगा। सपोज़ आपने कहीं ऐसे जगह पे एक राइड लेके गए, वहाँ पे कोई राइड नहीं आ रही, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो लड़के या दो मैम कोई खड़ी हैं और उनको तुम्हें ऐसा फील हो रहा है यार ये लोग कहीं जाएंगे, तो आप उस कंडीशन में डायरेक्टली उनको जाके अप्रोच कर सकते हो कि सर ये वो देखते समझ जाएंगे यार ये कमर्शियल बाइक है, इसका मतलब ये ओला उबर रैपिडो या फिर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करता होगा, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, उस हिसाब से आप किलोमीटर के हिसाब से उनसे चार्ज कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर लीगल होगा, और इसमें आपको कोई कुछ कह भी नहीं सकता, और कहेगा भी तो आपके पास पुख्ता सबूत है भाई आपकी बाइक, आपने गवर्नमेंट को इतना बड़ा टैक्स पे करा हुआ है उसको तो आपको कहीं से वसूल नहीं हो। ये तो हो गई दोस्तों फ़ायदे की बात, ठीक है, इसके नुकसान क्या होगा। अगर आप सिर्फ यही जॉब के लिए उस बाइक को यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा है, इसके अलावा अगर आप टूर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है कभी कभी, वो इसलिए क्योंकि सपोज़ आपने परमिट जो है उसके एक साल के लिए वैलिड है या दो साल के लिए आपने परमिट ले रखी है और वो टाइम जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और आप उसको चला रहे होते हैं और कहीं पे भी अगर आप चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो फिर आपका उसमें भी चलान होगा, क्योंकि आपके पास कमर्शियल व्हीकल है और उसका इंश्योरेंस क्लेम आप जब ही कर सकते हैं जब आपका परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सब कुछ A to Z। इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या एक बार मैं अगर कन्वर्ट करा लेता हूँ उसके बाद परमानेंट जब मुझे नहीं पसंद है मैं चलाऊँ अपने घर में चलाऊँ ऐसे चलाऊँ, तो होप ये जो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा मेरे लास्ट अंश। आपने अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट करा लिया, फिर आपने ये काम छोड़ दिया, बाइक आपके घर में खड़ी है, परमिट और आपका PUC बाकी सब कुछ जो है तो आपका एक्सपायर हो चुका है, देन आप सोचते हैं अरे अब क्या फ़ायदा, मैं तो चला नहीं रहा हूँ, नहीं कराऊँगा, बट नहीं, अगर आपकी बाइक, उसके लिए आपको दोस्तों जो बाइक है वापस से कमर्शियल से कन्वर्ट कराना होगा प्राइवेट में, तभी आप उसको जिस तरीके से हम अपने प्राइवेट बाइक को यूज़ कर रहे हैं और घर में पड़ा रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसे आपको दोबारा से कन्वर्ट कराना होगा। अगर आप नहीं कन्वर्ट कराते हैं, कहीं भी ट्रैफिक में पकड़े जाते हैं और आपका फिर उसके अकॉर्डिंगली ही चालान होगा, क्योंकि जो कमर्शियल के चालान होते हैं वो हमारे प्राइवेट बाइक से 3 गुना 4 गुना जो है डबल होती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आई बटन में कुछ इसी से रिलेटेड वीडियोज़ में डाल दूंगा, आप उनको भी देखेंगे तो प्राइवेट और कमर्शियल में कुछ जो भी डाउट हैं आपकी वो क्लियर हो जाएंगे, और होप इस वीडियो से भी आपकी कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट कराएंगे और इस काम को करेंगे, और आप में से कितने सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसको पार्ट टाइम में करते हैं, या फिर करते तो पार्ट टाइम है लेकिन वो फुल टाइम से भी ज़्यादा हो जाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोस्त मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।